कीर्ति परोहा, 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम एग्जाम प्रिपरेशन के अंतर्गत, इसके प्रीवियस में हमने आपको ग्रामर सेक्शन के 5-5 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी वो दो वीडियो में सेंड कर चुकी हूँ, उसे आप बहुत अच्छे से समझिए। और आज इसी सीरीज में हम आपको जो आपका सेक्शन डी है, सेक्शन डी डी जो कि है टेक्स्टुअल पार्ट, टेक्स्टुअल पार्ट मतलब जो आपकी बुक है उनमें से जो लेसन है उसके अंतर्गत जो उनके एक्सट्रैक्ट है इम्पॉर्टेंट, उसका अध्ययन करेंगे। मतलब ये जो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हैं ये आपको उसमें आएंगे और उससे 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि कैरी करेंगे 5 मार्क्स। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए और इसको एक दो बार रिवाइज करने से ही आपको सारा इसके जो आंसर है वो लर्न हो जाएंगे और एक्सट्रैक्ट भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैसेज 1 से। सबसे पहले पैसेज रीड करेंगे। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter? How? Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith master, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. अब ये जो है ये लेसन फर्स्ट है, जो लास्ट लेसन उसका मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो उसी का ये पैसेज है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, Why there a huge crowd in front of the bulletin board? मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने जो बहुत ज्यादा भीड़ थी वो क्यों थी? पहला है ड्यू टू बैड न्यूज, सेकेंड ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, थर्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही बातें थी, बुलेटिन बोर्ड से बैड न्यूज, ऑर्डर, इंट्रोडक्शन ऑफ नई लैंग्वेज के बारे में, इन सबके बारे में जानकारी रहती थी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड देखें, व्हाट वॉज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर? जो बुलेटिन बोर्ड था वो किस लिए प्रसिद्ध था? ए गुड न्यूज, बी बैड न्यूज, सी नीदर गुड नॉर बैड न्यूज, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर है बैड न्यूज, क्योंकि जो बुलेटिन बोर्ड था उस समय वहां फ्रांस में हमेशा वहां पे बुरी खबरें ही आया करती थी। थर्ड देखो, व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मींस द हेयर? ए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, बी ड्राइंग, सी डिजाइंस, डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है ए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। फोर्थ देखो, व्हाट डज आउट ऑफ ब्रीथ मीन? आउट ऑफ ब्रीथ का क्या मतलब है? ए ब्रीदलेस, बी गैस्पिंग, सी शॉर्ट विंडेड, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर है बी गैस्पिंग। फिफ्थ देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन के लेखक कौन है? ए स्टीफन स्पेंडर, बी सेल्मा लेजरलॉफ, सी है अल्फोंसो ड्यूडेट और डी है जॉन अपडिक। तो यहाँ पर सही आंसर है लास्ट लेसन के जो ऑथर है वो है अल्फोंसो ड्यूडेट। सिक्स देखो, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉस्टर? ए टू रिडिक्यूल फ्रेंड्स, टू बूस्ट द मोरल ऑफ फ्रेंड्स, टू डोमिनेट लिटिल फ्रेंड्स और डी है टू मेक हिम रियलाइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। तो राइट आंसर है डी, टू मेक हिम रियलाइज इम्पोर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। बच्चों, ये जो पोयम, ये जो एक्सट्रैक्ट है प्रोज का, इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको 2-3 बार बोल बोल के भी करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। अब चलते हैं हम पैसेज 2 की तरफ। सबसे पहले रीड करते हैं, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब फ्रॉम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सो एमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका,
His home is not even a distant memory. There was many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him, that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do. He mutters, looking away, go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. If I start a school, will you come? I ask, half joking. यहाँ पर लेखिका ने साहिब से बातचीत का एक अंश दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, who is the author of this extract? इस कहानी, इस एक्सट्रैक्ट का ऑथर कौन है? A. James Bond, B. Arundhati Roy, C. Sudha Murthy और D है Anish Jain। तो हमको मालूम है कि लेसन नंबर 3 है, उसमें इसके जो लेखिका है वो है Anish Jain। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, This story is an excerpt from which book of the author? यहाँ पर ये कौन से स्टोरी किस बुक का है पूछा है आपसे। A है Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, B है Unveiling India, C है Breaking the Silence, D है The Song of India। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है लास्ट स्प्रिंग से लिया गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। डी, हु वाज साहिब, साहिब कौन था? ए शॉपकीपर, बी सर्वेंट, सी रैग पिकर या डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर है अ रैग पिकर, एक कचरा और में से कुछ कुछ सामान बीनने वाले जो बच्चे रहते हैं उसका नाम जो था वो साहिब था। क्वेश्चन नंबर 4, What was Sahib looking for? Sahib क्या चीज तलाशता रहता था उस कचरे में भी? A. Eggs, B. Gold, C. Coins, D. Toys। तो इसका सही आंसर है gold। यहाँ देखो पैसेज में ही लिखा हुआ है कि वो gold की तलाश किया करता था। Question number 5, Why did Sahib not go to school? Sahib school क्यों नहीं गया था पढ़ने? A. Not interested, B. Had no money to pay fees, C wanted to go for a movie और D है wanted to earn money। तो यहाँ पर साहिब स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि had no money to pay fees, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फीस भर सके। 6 देखो, why is the author calling garbage as gold in the story? अब ऑथर ने गार्बेज को गोल्ड से कंपेयर किया गया है क्यों? A because of jewels in it, because of gems in it, because of gold in it, because of its encasement value। अब क्या बोल रहा कि आथर ने गार्बेज को गोल्ड के जैसे उसको कंपेयर किया है क्यों? क्या उसके अंदर ज्वेलरी रहती थी या उसके अंदर कोई रत्न रहते थे या उसके अंदर सच में गोल्ड रहता था? या डी है, क्या उसकी जो वैल्यू थी वो किसी सोने से कम नहीं थी? तो सही बात है, एक बहुत नीडी के लिए उस जो गार्बेज को जो बीनना होता था, कचरे पन्नी बीनना, किसी गोल्ड से कम नहीं रहता था। अब हम पैसेज 3 स्टार्ट करते हैं। It had happened when I was 10 or 11 year old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drawing in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. अब यहाँ पर जो लेखक है वो डीप वाटर वाले लेसन से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, Who is the author of Deep Water? Deep Water के ऑथर कौन है? A. William Shakespeare, B. William George Bernard Shaw, C. William Wordsworth
या डी है विलियम डगलस। तो यहाँ पर राइट आंसर है विलियम डगलस। क्वेश्चन नंबर टू, YMCA स्टैंड्स फॉर ए यंग मेंस क्रिश्चियन अथॉरिटी, बी यंग मेंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन, सी यंग मेंस क्रिश्चियन आर्मी या डी है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA स्टैंड फॉर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर डिड द ऑथर गो विथ हिज फादर इन द स्टोरी, ए वॉशिंगटन, बी न्यूजीलैंड, सी कैलिफोर्निया और डी कैनेडा। तो यहाँ पर राइट आंसर है द ऑथर गो विथ हिज फादर इन द स्टोरी, आंसर सी कैलिफोर्निया। ऑथर कैलिफोर्निया गया था अपने पिता के साथ। फोर्थ, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, उसके अंदर पानी का डर कैसे आया, ए बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, बिकॉज ऑफ अ यंग बॉय, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्टर, बिकॉज ऑफ हिज मदर। इसमें जो डर आया था कि अपने पिता के साथ जब वो तैरने गया था तो वो लहरों के, समुद्री लहरों के बीच में जाकर के दब गया था और उसके ऊपर से समुद्री लहरें निकल रही थी, वो डर गया था। तो राइट आंसर है बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच। फिफ्थ देखो, द स्टोरी डीप वॉटर इज अबाउट, ए फियर ऑफ वॉटर एंड द वे टू ओवरकम, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ स्विमिंग। डीप वॉटर जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, तो आंसर है ए फियर ऑफ वॉटर एंड द वे टू ओवरकम इट, मतलब पानी से डर और वो तरीका जिससे वो वापस निकल के आया। सिक्स देखो, द वर्ड अवर्जन मीन्स ए डिलाइट, बी लव, सी डिसलाइक, डी अप्रूवल। राइट आंसर है द वर्ड अवर्जन मीन्स डिसलाइक। अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट नंबर फोर, द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इट बिकम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी डेली प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, ऑल ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड। One dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. Ab yahan par ye rat trap jo lesson hai usse liya gaya hai extract. To pehla question dekhte hain. The above lines are from the lesson. ये ऊपर की जो लाइन है वो किस लेसन से ली गई है, ए द लास्ट लेसन, बी लॉस्ट स्प्रिंग, सी डीप वॉटर या डी है द रेड ट्रैप। सही आंसर है द रेड ट्रैप। क्वेश्चन टू, वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, उसको शेल्टर या शरण क्यों लेना पड़ी, बिकॉज ऑफ हिज विशेज, बिकॉज ही वॉन्ट टू स्टील, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हिज फ्रेंड, Because he had no home, क्योंकि उसके पास उस समय कोई घर नहीं था सर छुपाने के लिए, इसलिए उसको वहां पर शेल्टर लेना पड़ी। थर्ड, who offered shelter to the peddler? किसने उस पेडलर को ऑफर किया शरण देने के लिए, ए बैगर, बी फ्रेंड, सी अ मिल्कमैन और डी है एन ओल्ड मैन। यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि एन ओल्ड मैन, तो आंसर क्या है एन ओल्ड मैन। क्वेश्चन नंबर फोर, द वर्ड अनवॉन्टेड मीन्स ए अनयूजल, बी अनसेफ, सी अनकंफर्टेबल और डी है अननेसेसरी। तो अनवांटेड का मतलब होता है अनयूजल। पांचवा क्वेश्चन देखो, द पेडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड विद, जो पेडलर है वो पूरी दुनिया को किससे तुलना करता था कि कैसी है दुनिया, ए केज, बी रेड ट्रैप, सी रेट और डी जिक्सा। तो जो पेडलर है वो उस पूरे वर्ल्ड को एक चूहेदानी, एक रेड ट्रैप के तरह समझता था कि ये पूरा विश्व जो है वो एक चूहे दानी की तरह है। क्वेश्चन नंबर सिक्स,
How was the peddler received by the crofter? पेडलर को क्राफ्टर ने कैसे इसको रिसीव किया? तो द पेडलर वॉज रिसीव्ड वेरी वार्मली एंड गिव जेनरस हॉस्पिटैलिटी बाय द क्राफ्टर। मतलब जो पेडलर उसके यहाँ गया, क्राफ्टर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया और उसको बहुत अच्छे से सर्व की, हॉस्पिटैलिटी दी। फिफ्थ वाला देखें। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. The sharecropping arrangements was ek sum to the peasants and many signed willingly. Those who resist engaged lawyers. The landlords hired the thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began to trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhi answered that he was no outsider. अब ये जो है, ये एक लेसन है आपका इंडिगो, उसके अंतर्गत का दिया गया ये क्या है पैसेज है। तो क्वेश्चन नंबर वन, हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, किसने सिंथेटिक नील बनाया? ए इंडिया, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी नेपाल। राइट आंसर है सी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड इक्सम? इक्सम शब्द जो है उसका अपोजिट क्या होगा? ए अनॉइंग, डी टीजिंग, सी बोदरसम और डी है प्लीजेंट। इसका सही अपोजिट वर्ड है बोदरसम। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज सिंथेटिक? ए नेचुरल, बी आर्टिफिशियल, सी रियल, डी ओरिजिनल। तो सिंथेटिक का मीनिंग होता है आर्टिफिशियल। फोर्थ, द पैसेज इज अबाउट लैंडलॉर्ड्स चंपारण, गांधी जीज विजिट टू चंपारण और पीजेंट। तो ये जो पैसेज है ये किसके बारे में है? गांधी जीज विजिट to Champaran. Question number 5, why did the secretary refuse to give information to Gandhi ji? Secretary ne koi bhi information Gandhi ji ko dene se isliye kyun refuse kar diya? To yahan par ye answer diya hua hai, ye last passage matlab passage ke last mein diya hai. To kya hoga? Because he treated him an outsider, kyunki wo Gandhi ji ko ek outsider manta tha, and denied to give him any information, aur usko koi bhi सूचना देने के लिए मना कर दिया। तो बच्चों ये थे 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट प्रोज एक्सट्रैक्ट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें।